कोविड से लड़ने के लिए बीते सवा साल में ही देश में एक नया हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर तैयार किया गया है। इस लड़ाई में वैक्सीन हमारे लिए सुरक्षा कवच की तरह है। आज पूरे विश्व में वैक्सीन के लिए जो मांग है उसकी तुलना में उत्पादन करने वाले देश और वैक्सीन बनाने वाली कंपनियां बहुत कम है, इन्हीं गिनी है। हमने इस समस्या के समाधान के लिए मिशन इंद्रधनुष को लॉन्च किया। हमने तय किया कि मिशन इंद्रधनुष के माध्यम से युद्ध स्तर पर वैक्सीनेशन किया जाएगा और देश में जिसको भी वैक्सीनेशन की जरूरत है उसे वैक्सीन देने का प्रयास होगा। आज देश में 7 कंपनियां विभिन्न प्रकार की वैक्सीन का प्रोडक्शन कर रही है। हमारे साथ इस वक्त समीर भाटी जुड़ रहे हैं, दिल्ली वैक्सीनेशन कमेटी के। सर बहुत बहुत शुक्रिया है भाटी जी आपका। पहला सवाल भाटी जी मेरा आपसे ये होगा कि जो वैक्सीनेशन को लेकर एक बड़ा ऐलान हुआ है पीएम की तरफ से, आपको लगता है कि अगर 21 जून से आप ये ठीक तरीके से स्मूथली इम्प्लीमेंट और लागू वैक्सीनेशन का काम शुरू हो जाता है तो कितना वक्त लग सकता है, अगर मैं आपसे दिल्ली के पॉइंट ऑफ व्यू से ही पूछूं? देखिए, दिल्ली के अंदर हम पहले से बात करें तो वैक्सीनेशन सेंटर्स तो काफी सारे बने हुए थे, वैक्सीनेशन पॉइंट्स भी काफी सारे बने हुए थे। बीच में जिस तरह से हमारी अभी मई के अंदर जो सेकंड वेव आई उसके बाद जो वैक्सीनेशन पॉइंट्स थे उनमें थोड़ी सी एसओपीज काफी ज्यादा चेंज हो गई, क्योंकि जो वैक्सीनेशन पॉइंट थे वो कोविड सेंटर्स बन गए और उसके बाद जो वो शिफ्ट भी हो गए, तो उस वजह से थोड़ा जैसे हम बात करें शुरू से चीजें सेंट्रलाइज थी। जब आपने हमने फर्स्ट फेज शुरू किया वैक्सीन का, सेकेंड फेज भी शुरू किया, तो वो चीजें स्ट्रीमलाइन थी क्योंकि एसओपीज एक तरह से बनकर आ रहे थे। पर उसके बाद फिर काफी ज्यादा एसओपीज में चेंज हुआ, जिस तरह से 50% सेंट्रल को रखना था, 25% डायरेक्ट प्रोक्योर जो करना था प्राइवेट हॉस्पिटल्स को, उसमें काफी ज्यादा कॉम्पिटिशन था कि वो जो 25% प्रोक्योरमेंट में काफी ज्यादा चैलेंजेस था और वो काफी प्राइवेट हॉस्पिटल्स को किसी को मिल रहा था किसी को नहीं मिल रहा था। उसके अलावा 25% तो काफी ज्यादा इसमें क्योस हुआ था। अभी आई थिंक इसमें स्ट्रीमलाइन हो जाएगा और जो एसओपी पे एक कंट्रोल हो जाता है, जैसे वैक्सीन के ऊपर बार बार नई नई चीजें आती है रिसर्च बेस्ड, जैसे हमने कोविशील्ड पे जो गैप बढ़ाया तो वो रिसर्च बेस्ड था पर उस पर कई बार वो मैसेज ठीक तरह से कम्युनिकेट नहीं हो पाता, पर अगर एक नोडल एजेंसी होगी तो जो मैसेज कम्युनिकेट होगा वो पूरी तरह से ठीक से कम्युनिकेट हो पाएगा और ये और तेजी से हमें लगता है वैक्सीनेट हमारा जो ड्राइव है वो स्पीड अप हो जाएगा दिल्ली में। मैं समझता हूँ दिल्ली में पहले से काफी हद तक एसओपीज बनी हुई थी बट सेंट्रल कंट्रोल आने से वो और स्पीड अप हो जाएगा। साथियों, आज ये निर्णय लिया गया है कि राज्यों के पास वैक्सीनेशन से जुड़ा जो 25% काम था उसकी जिम्मेदारी भी भारत सरकार उठाएगी। ये व्यवस्था आने वाले 2 सप्ताह में लागू की जाएगी। इन 2 सप्ताह में केंद्र और राज्य सरकारें मिलकर नई गाइडलाइंस के अनुसार आवश्यक तैयारी कर लेगी। संयोग है कि 2 सप्ताह बाद 21 जून को ही अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस भी है। 21 जून सोमवार से देश के हर राज्य में 18 वर्ष से ऊपर की उम्र के सभी नागरिकों के लिए भारत सरकार राज्यों को मुफ्त वैक्सीन मुहैया कराएगी। इसके अलावा अभी देश में एक नेजल वैक्सीन पर भी रिसर्च जारी है। इसे सीरिंज से न देकर नाक में स्प्रे किया जाएगा। देश को अगर निकट भविष्य में इस वैक्सीन पर सफलता मिलती है तो इससे भारत के वैक्सीन अभियान में और ज्यादा तेजी आएगी।
भाटी साहब, आप एक बात जरा बताएं सर कि ग्राउंड पर अभी क्या दिक्कत आ रही थी, क्योंकि पीएम ने कहा कि राज्यों ने पहले आग्रह किया था कि राज्यों को काम दिया जाए टीकाकरण का, लेकिन बाद में राज्यों ने कहा कि दिक्कत आ रही है, केंद्र खुद इस काम को संभाले। तो ग्राउंड पर किस तरह का प्रॉब्लम आप लोग फेस कर रहे थे जिस वजह से केंद्र सरकार को इतना बड़ा फैसला अब लेना पड़ गया? हाँ देखिए, ग्राउंड पे हम जिस तरह से बात करें, क्योंकि एकदम से अचानक से सेकंड वेव भी आ गई और जो वैक्सीनेशन की ड्राइव थी वो भी चल रही थी, और जैसे हमारा 18 साल का ग्रुप का जैसे शुरू हुआ, 18 साल वाले जो हमारा ग्रुप है वो तो काफी अच्छा टेक्नो सेवी भी है और उन्होंने अपने आप को जिस तरह से रजिस्टर्ड करना शुरू किया, तो उस तरह से जो डिमांड एंड सप्लाई के अंदर अवेलेबिलिटी ऑफ वैक्सीन के अंदर काफी गैप आ गया, क्योंकि दिल्ली की अगर बात करें तो यहाँ पर काफी ज्यादा जागरूकता है उस तरह से, तो लोग भी काफी अधिक सामने आए और यूथ तो काफी ज्यादा सामने आया अपने आप को वैक्सीनेट कराने के लिए, तो वो उस तरह से डिमांड पूरी नहीं हो पाई और फिर कुछ समय तक के लिए तो जो आपका यूथ के लिए है 18 साल वाले ग्रुप उसके लिए वैक्सीनेशन होल्ड भी करना पड़ गया, तो ये सब चीजें हुई थी इनिशियली। और अब जैसे जो आपका नेजल वाली वैक्सीन भी आ रही है तो उसके बाद तो फिर डेफिनेटली चीजें और अच्छी तरह से आगे जो है स्पीड अप होंगी। अभी कई जगहों पर कोरोना कर्फ्यू में ढील दी जा रही है, लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि हमारे बीच से कोरोना चला गया है, हमें सावधान भी रहना है और कोरोना से बचाव के नियमों का भी सख्ती से पालन करते रहना है। मुझे पूरा विश्वास है हम सब कोरोना से इस जंग में जीतेंगे, भारत कोरोना से जीतेगा। इन्हीं शुभकामनाओं के साथ आप सभी देशवासियों का बहुत बहुत धन्यवाद।